नमस्कार दोस्तों, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हथेली में जो त्रिभुज पाई जाती है ट्रायंगल, क्या प्रभाव दिखाती है, किस क्षेत्र में क्या रिजल्ट दिखाती है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक आप जरूर बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाली जो तर्जनी उंगली के नीचे ये क्षेत्र है, ये गुरु पर्वत की क्षेत्र है। इस पर्वत पर अगर कुछ इस तरह का ट्रायंगल हो, त्रिभुज हो, तो देखते ही समझ लेनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में राजनीतिक में ज़्यादा ये वर्चस्व दिखाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी सफल होंगे और धार्मिक कार्यों में भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सफलता देखने को मिल जाती है। अगर बात हम करें दोस्तों शनि पर्वत की, तो ये वाली शनि का पर्वत है और इस पर्वत पर अगर इस तरह की जो त्रिभुज होती है दिख जाए, कुछ इस तरह का त्रिभुज दिख जाए, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर शनि पर्वत पर ही हो, तो देखते ही समझ लेनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी कार्यों में काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं, काफ़ी भाग लेते हैं, प्रॉपर तरीके से रहस्यमय कार्य ऐसे व्यक्ति करते रहते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों ये वाली जो क्षेत्र है सूर्य पर्वत का क्षेत्र है, और इस सूर्य पर्वत पे अगर इस तरह का त्रिभुज दिख जाए, ट्रायंगल दिख जाए, तो देखते ही समझ लेनी चाहिए दोस्तों कि इस ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कला के क्षेत्र में उच्च सम्मान प्राप्त करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त करते हैं। कई तरह के ऐसे व्यक्ति को कला देखने को मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी कलाकार भी होते हैं और काफ़ी फेमस भी होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ये वाली जो क्षेत्र है बुध पर्वत की क्षेत्र है, और अगर इस पर्वत पर अगर इस तरह की त्रिभुज दिखे, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, अगर त्रिभुज दिख जाए बिल्कुल स्पष्ट हो, गहरी हो, बिना किसी क्रॉस की हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में राजनीतिक में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं और काफ़ी सफल राजनीतिज्ञ होते हैं। दोस्तों हथेली में ये जो अंगूठा होते हैं, अंगूठा के नीचे ये वाली क्षेत्र जो है विशाल क्षेत्र होता है इसका, ये शुक्र पर्वत का क्षेत्र होता है। इस शुक्र पर्वत के क्षेत्र पे अगर ट्रायंगल दिख जाए, कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट दिखे, गहराई भी हो, बिना किसी क्रॉस की हो, तो पूरा क्लियर त्रिभुज हो, तो देखते ही समझ लेनी चाहिए शुक्र पर्वत के त्रिभुज का रिजल्ट कि जीवन में ऐसे व्यक्ति कई सारे स्त्रियों के साथ दोस्तों मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं, स्त्रियों के साथ मतलब उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, कई सारे स्त्रियों के साथ ऐसे व्यक्ति भोग भी ऐसे व्यक्ति संभोग भी करते हैं और कई सारे स्त्रियों के साथ ऐसे व्यक्ति का रिलेशन में रहते हैं और काफ़ी रिलेशन मतलब स्त्रियों के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं और कई अलग अलग स्त्रियों के साथ ऐसे व्यक्ति रिलेशन बनाते रहते हैं बार बार और मिटाते रहते हैं रिलेशन। इस तरह के व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्यार प्रेम के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व वाले व्यक्ति होते हैं और ऐसे व्यक्ति को कई बार बदनामी भी मिल जाती है इस वजह से। अब हम बात करेंगे दोस्तों मंगल पर्वत, हथेली में दो होते हैं, ये भी मंगल की पर्वत है और यहाँ पे भी मंगल की पर्वत पाई जाती है। इस दोनों में से किसी मंगल पर्वत पर अगर त्रिभुज दिख जाए, ट्रायंगल दिख जाए, कुछ इस प्रकार की हो सकती है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की ट्रायंगल हो सकती है, छोटी या बड़ी, या फिर इसमें भी हो सकती है दोस्तों। दोनों पर्वत में से किसी एक पर्वत पर अगर ट्रायंगल दिख जाए, तो दोस्तों देखते ही समझ लेने चाहिए कि ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करते हैं तो योजना बना के करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं, पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्ति अपने काम को करते हैं और काम में सफलता भी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है आसानी से। दोस्तों जो हथेली में ये वाली क्षेत्र होती है, ये चंद्र का पर्वत है, चंद्रमा की पर्वत है दोस्तों। इस पर्वत पे अगर दिख जाए कुछ इस तरह का ट्रायंगल त्रिभुज, तो देखते ही समझ लेनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी फेमस कवि भी होते हैं, पोइट भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर में फेमस होते हैं और काफ़ी चर्चित भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में सफलता कवि के क्षेत्र में काफ़ी आसानी से मिल जाती है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो राइटिंग में होता है या किसी कवि से संबंधित कार्यों में ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।